हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ट्रबल शूट करने जा रहा हूँ इस यूपीएस को। ये जो यूपीएस है, ये माइक्रोटेक का डबल बैटरी वाला यूपीएस है। एक थोड़ा पुराना मॉडल है। इसमें इसका जो पावर बैकअप था वो काफ़ी अच्छा था। ये 800 VA का जो है यूपीएस है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो इसमें से जो बैटरी बैकअप ये नहीं ले रहा है रिसेंटली। तो अगर हम इसे बिना किसी लोड के चलाते हैं, बैकअप मोड में चलाते हैं, तो ऑन हो जाता है। पर जैसे ही हम इसके ऊपर लोड डालते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्लोअर डाला है, तो जैसे ही ये लोड डालते हैं तो ये ट्रिप हो जाता है। जैसे ही लोड डालते हैं ये ट्रिप हो जाता है। तो अब हमें हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में जो बैटरी ही वही फॉल्टी होती है, बैटरी का ही इशू होता है। अब इन दोनों बैटरी में से कौन सी बैटरी जो है फॉल्टी है, उसका कैसे पता लगाएं? देखिए, चार्जिंग के समय में जब इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी बैटरी फॉल्टी है। हम इसको छू कर पता लगा सकते हैं। जो बैटरी ज़्यादा गर्म हो रही है साइडों से, वो बैटरी ज़्यादा वही बैटरी फॉल्टी है, उसी बैटरी में प्रॉब्लम है। तो जैसे अगर इसका जो पानी सूख जाता है तो ये शॉर्ट होने लगती है, और आपस में थोड़ी बहुत शॉर्ट होने की वजह से हीट होने लगती है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक मल्टीमीटर की मदद से दोनों बैटरी के टर्मिनल पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही है 12.86 आ रही है, और दूसरे वाली बैटरी पर जो वोल्टेज आ रही है वो 12.82 आ रही है। अब इसको बैकअप मोड में जैसे ही हम चालू करेंगे, बैकअप मोड में डालेंगे इसको, पहले हम लोड को ऑफ कर देते हैं, तो जिस भी बैटरी का वोल्टेज जो ज़्यादा ड्रॉप होगा, ज़्यादा डाउन जाएगा, वही बैटरी फॉल्टी होगी। जैसा कि इसको चालू कर दिया है मैंने, पहले इस वाली बैटरी भी देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं 11.20 तक इसकी जो है वोल्टेज डाउन गई है, 11.10 तक। और यहीं इसी टाइम पे अगर दूसरी बैटरी की वोल्टेज चेक करें तो ये 12.66 आप देख सकते हैं, 12 वोल्ट से बिना लोड पे 12 वोल्ट से जो है ये अभी ऊपर है बिना लोड पे, और हल्के से लोड मतलब बिना लोड पे ही, जबकि इस बैटरी की जो वोल्टेज है बिना लोड पे ही काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। तो यही बैटरी फॉल्टी है और इसी बैटरी को हमें चेंज करना पड़ेगा। इस बैटरी के चेंज करते ही जो है आपका जो यूपीएस है वो सही से काम करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं 9 वोल्ट के आसपास ये जो चली गई है। तो फ्रेंड्स, जो बैटरी बहुत जल्दी जल्दी अगर आपकी ख़राब हो रही है तो उसका रीज़न होता है, इस बैटरी के टर्मिनल पर चार्जिंग वोल्ट से ज़्यादा करंट आ रहा है, चार्जिंग वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, तो इस बैटरी का सारा जो पानी होता है वो सूख जाएगा। ये जेल बैटरी है, पानी सूख जाएगा इसका और वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो यूपीएस में ये भी चेक कर लेना चाहिए साथ ही साथ कि वोल्टेज जो है एक सही लिमिट में, चार्जिंग वोल्ट जो सही लिमिट में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि ये चार्जिंग का प्रीसेट होता है, यहाँ पर चार्जिंग वोल्ट सेलेक्ट करने का ये जो प्रीसेट होता है ये ख़राब हो जाता है, या इसमें डस्ट वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज ज़्यादा भेजने लगता है बैटरीज को, और जिससे ओवर चार्ज होकर बैटरी ख़राब हो जाती है। साथ ही साथ ये एक कंट्रोलर, ये रेगुलेटर टाइप का होता है, अगर ये शॉर्ट हो जाए या कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो भी ये बैटरी को ज़्यादा वोल्टेज देने लगता है, जिससे कि बैटरी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इसका जो ये मॉसफेट होते हैं, ये मॉसफेट के थ्रू भी इन बैटरी को चार्जिंग करंट जाता है। कभी कभी कोई मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है इनमें से एकाध, तो भी बैटरी को वोल्टेज ज़्यादा जाने लगती है। तो इसको भी चेक करें, एक एक मॉसफेट को निकाल के चेक करना है, डिस्कनेक्ट करके चेक करना है, क्योंकि इसमें लगे लगे ये वोल्टेज कई बार ये सही भी दिखाने लगते हैं, तो इनको निकाल के ही चेक करना है। और अगर आपके पास मॉसफेट हैं तो सारे मॉसफेट उसी टाइम चेंज कर दें, इससे आपकी वोल्टेज जो सही हो जाएगी बैटरी की और ये सही से काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।